हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वॉडकास्ट चैनल मिसल मी। दिस इज़ योर होस्ट तमन्ना मंगलानी। हियर आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस ऑन वेरियस पोएम्स व्हिच आर कंपोज्ड बाय मी। आल्सो यू विल फाइंड बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक टू माय ऑडियो पॉडकास्ट चैनल मिसल मी, वेयर आई हैव मेनली अपलोडेड ऑडियोज ऑन हिस्ट्री टॉपिक्स व्हिच आरंट मच टॉक्ड अबाउट अलोंग विथ अ पोएम। सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता रश्मिरथी में बड़े उत्कृष्ट स्वरों के साथ कहा है कि वे लोग जो अपने दिल में सृजनशील चित्त के भाव रखते हैं, वे लोग जिनमें दृढ़ता का भाव रहता है, भले ही उन लोगों के मस्तक पर भले ही कितनी भी बड़ी विपत्ति आ बैठे, वे कभी भी अपने दिल में बह रही उस विश्वास की लहर को टूटने नहीं देते। इस विषय को समझाते हुए श्रद्धे दिनकर जी ने एक बड़ा ही अद्भुत उदाहरण दिया है, जिसमें महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध लड़ने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण स्वयं अथवा वे जो जगत के दाता हैं स्वयं उनके दूत बनकर आ गए थे। तो इस विषय को समझाते हुए श्रद्धे दिनकर जी बड़े अद्भुत तरीके से कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सरयश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ते का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड का मतलब होता है गन्ना अथवा शुगर केन। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, कि वाटिका और वन एक नहीं, के वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद।